अभी यहाँ पर तीन लोग हैं, इधर से काउंट करूँगा, बोरा, रजत सर और मंजीत। अभी इनको चैलेंज मिला है कि तीनों जाएंगे पानी के अंदर और कौन ज़्यादा देर तक रहेगा ये देखेंगे हम। तो 1 2 3 स्टार्ट। ये जीना सर हैं, ये अलग इनका कंपटीशन चल रहा है। रजत सर आ चुके हैं, बोरा अंदर है, अभी बोरा है विनर, बोरा विनर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ग्लोबल ग्लांस। और आज की वीडियो में कुछ एंटरटेनमेंट दिखाएंगे आपको कि हम आए हुए हैं यहाँ पे OTC स्विमिंग पूल वाला पार्ट। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर हम यहाँ पे आए थे जिसमें OTC वाटरफॉल का फुल रिव्यू था, जो जो एन्जॉयमेंट हमने वहाँ की थी वो सब दिखाई गई थी। इस बार हम आए हैं स्विमिंग पूल वाले एरिया में। पीछे मेरे आप लोग देख पा रहे हैं, पीछे आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ लोग उधर से आ रहे हैं। अभी वहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, भी लेट हो गए आने में, बट तब तक हमने यहाँ का एन्जॉयमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, जो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंटरटेनमेंट है, आपको दिखाया जाएगा। गिरो गिरो गिरो। ये हमारे कुछ लेट कमर्स हैं जो कहीं भी टाइम पे कहीं नहीं पहुँचते हैं, सब जगह लेट हो जाते हैं। अब आए हैं ये लोग। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं। ये है पूल, यहाँ पर डेप्थ लगभग 4.5 से 5 फीट है। अगर आप उस तरफ जाते रहेंगे तो डिस्टेंस आपको ज़्यादा डेप्थ मिलती रहेगी। यहाँ पे जो नियर बाई एरिया है यहाँ पे लगभग 4.5 फीट की गहराई है, लास्ट पहुँचते 5 फीट है। तो अगर आपकी हाइट बोरा के बराबर है लगभग, तो आप उस तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज ना जाएं तो अच्छा है। जो वो छोटा वाला एरिया है ये देख रहे हैं, ये है बच्चों के लिए, मेरे जैसा आदमी वहाँ जा सकता है जिसकी हाइट कम है। अच्छा चलो 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 चलो। जाओ जाओ जाओ। कुछ इन्हें कुछ मिला है, चश्मा है यार, लाओ। अरे नीचे गिर गया वापस, इधर है, इधर कुछ है चश्मा जैसा। इधर ऑडियंस भी आ गई है हमें देखने के लिए, दर्शक दीर्घ। वीडियो बनाए, कपड़े उतारो पहले, फिर कपड़े उतार के तो बनती वीडियो सर। इस तरफ अरे सतर डालो अंदर, सतर डालो अंदर। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे गंगे चलो। अरे गंगे ये भी ड्राइवर है हमारा, ये घुस गया अंदर, ये एक और घुस गया। ये हमारी लेट कमर्स पार्टी है, जो लेट आते हैं हर पार्टी में, कुछ सारे भी कर रहे हैं यहाँ से, पता नहीं क्या कर गया है। ये देखिए, ये देखो क्या क्या बातें हो रही, देखो जरा इनकी, लेट कमर्स बंदे आए हैं और ये कुछ सारे सारे बातें कर रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। चश्मा गिरते ही उड़ जाएगा। गरम गरम पैर जलता है तो देखिए ऐसे भागना पड़ता है आदमी को। मैं भी खैर भाग रहा हूँ, चप्पल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट का जो मेन्यू है वो ये है, स्विमिंग पूल पैकेजेस में क्या क्या है। एक्टिविटी में स्विमिंग पूल, रेन डांस, गार्डन एंड प्लेइंग एरिया। पैकेज टाइमिंग 2 स्लॉट हैं इनकी, मॉर्निंग स्लॉट्स 11 AM to 3 PM एंड इवनिंग स्लॉट्स 4 PM to 9 PM। स्टार्टर में क्या क्या ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, any 2 आपको, और मेन कोर्स में जो जो आइटम मिल जाएंगे। सेकंड थिंग जो चार्जेस हैं वो हैं 750 रुपीज़ प्लस 5% GST पर पर्सन, जिसकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा है, और जिसकी हाइट 4 फीट से कम है यानी कि 3 फीट to 4 फीट उसको 550 प्लस 5% GST। और अगर आप लोग डिफेंस पर्सनल हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें। क्या बढ़िया था गुरु। तो यहाँ आने के बारे में बता दूँ एक बार आप लोगों को, यहाँ पहुँचना लगभग जोधपुर से 21 किलोमीटर है, फिर से पैर चलने लगे हैं, थोड़ा सा वहाँ पड़ेगा। और पहले भी लास्ट ईयर हम यहाँ आए थे, तब हमने आपको जो वाटर पार्क वाला एरिया था जहाँ बच्चों के साथ या बड़ों के साथ जा सकते हैं, अरे पैर चल रहे हैं तो वो दिखाया था। इस बार आपको दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल वाला एरिया है, पैकेज वगैरह क्या है,
क्या क्या नहीं है, मजा तो काफी आ रहा है। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? बेसिकली डेजर की तरफ आप आएंगे जोधपुर से, तो वहाँ पे ये पड़ता है, लगभग 21 किलोमीटर है। और लास्ट टाइम जो मैं आया था यहाँ वाटर पार्क में, तो वो वीडियो लगभग 11 मंथ ओल्ड है। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, और उसका लिंक कहीं आई बटन में इधर डाल दूंगा, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। इस बार स्विमिंग पूल वाला एरिया कवर करने आए हैं, तो बेसिकली बताने के लिए इतना ही है यहाँ पे। बाकी चीज़ के लिए आप लोग को आना पड़ेगा, एक बार एडवेंचर पार्क के बारे में बता देंगे जाके। हमारा जो एक्टिविटी फन चल रहा है वो आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में, और बने रहिएगा साथ। ये कुछ बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे, देखिए इनके अलग एक्टिविटी चल रही है हमारे वाले। और मंजी तो कंपटीशन होगा, रेडी 1 2 3 गो। दोनों चले गए अंदर और टाइम स्टार्ट हो गया है 10 सेकेंड्स। साथ में बोरा भी है, वैसे कंपटीशन में नहीं है ये, बट पता नहीं कहाँ से आ गया, इसलिए बाहर भी आ गया ये। 20 सेकेंड्स ये दिख रहे हैं प्रेम कुमार, ये है मंजीत कुमार। 30 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स में प्रेम बाहर आ गए हैं, और 32 में मंजीत। सो विनर इज मंजीत, कांग्रेचुलेशन। करने क्या वाले हो? ठीक है, आप भी हो? नहीं नहीं, अभी कौन कौन? आप तीनों जाओगे? आप दोनों की? चलो मैं बोलूंगा तब जाना नीचे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जितेंद्र, जेना और सुमित, 1 2 3 गो। जलपरा देख लिए साइड में, जलपरा। अभी ये नीचे ही है खैर, लेकिन ये दो ही दिख रहे हैं मुझे, एक पूरा नीचे चला गया है। इनका थोड़ा सर तो बाहर नहीं आया अभी, और ये तो पूरा, ये जेना सर आ चुके हैं नंबर सेकंड पे, जीतू सर आए हैं, और इन दोनों में विनर हैं जीतू सर। और ओवरऑल मैं जीत गया हूं। और ओवरऑल विनर है हमारे मिस्टर सुमित। ऐसे कट कट, ये फंस गया सी है। सुनाई पड़ रहा है इसका मतलब पानी के अंदर, इनको सुनाई पड़ रहा है पानी के अंदर। सुन रहे हैं, बोल रहे थे। ये हमारा वेलकम ड्रिंक और स्टार्टर आ चुका है, जिसमें हक्का नूडल्स, ढाका नूडल्स, मंचूरियन ड्राई, और एक आइटम और था वो आएगा। एक और आइटम आ रहा है अभी, तब तक हम बैठ के एंजॉय करते हैं, तब तक हम हाका नूडल्स का आनंद। बाकी लोग बिजी हैं, बिजी रहे। कैसा बनाया सर, टेस्ट बताओ कुछ कुछ। सेक्सी बताया आप, कौसी टेंसी साक्षी, साक्षी बनाया इनकी तरफ से। अगर कोई साक्षी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया बुरा ना माने। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। तो ये देखिए आप लोग, जहाँ से लोग आ रहे हैं दो दिख रहे हैं, वहाँ पे तो हमारा स्विमिंग पूल वाला पार्ट है, उससे आप सीधे ऐसे जाएंगे इधर स्ट्रेट बोले तो इस तरफ से। देखिए ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी वाली, ये है वाटर पार्क वाला एरिया, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एरिया है आपका एक्टिविटी पार्क, जिसको बोल रहे हैं एडवेंचर पार्क। तो जो हमारा 750 प्लस 5% GST वाला पैकेज है, उसमें एडवेंचर भी अवेलेबल है, बट अभी इतनी धूप है और गर्मी है, आप लोग देख रहे हैं मई मंथ है, तो अभी ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। बट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ आप लोगों के लिए, इतनी धूप में मैं आके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ तरह की एक्टिविटी है यहाँ पे, इस तरह तो क्लोजअप देता हूँ। बच्चों के लिए भी हैं और काइंड ऑफ बड़े लोग भी कर सकते हैं इसको। कुछ कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं, जैसे ये देखिए, चढ़ के ऐसे उतरना इस पर, रस्सियों से ऊपर चढ़ना, उधर कुछ झूले हैं, ये भी थोड़ा टफनिंग वाला पार्ट है। तो ये एडवेंचर पार्क में इतना ही है। अब जो कि टाइम हो गया है अराउंड 1 o'clock, और हमारा थोड़ा पूल में हमने टाइम स्पेंड किया, देन स्टार्टर वेलकम ड्रिंक हो गई है, एडवेंचर पार्क देखने आए थे, देख लिया है कैसा है, आप लोगों को भी दिखा दिया है। तो ये यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहें तो इवनिंग टाइम पे आइएगा, क्योंकि एडवेंचर वाला जो पार्ट है वो इवनिंग में ठीक रहेगा, अभी गर्मी में इतनी धूप है तो ये ठीक लगेगा नहीं। तो अब यही सब दिखा रहा हूँ, अभी इसके बाद हमारा अगेन थोड़ी देर पानी में अच्छा लग रहा है लोगों को, हम लोगों को भी। उसके बाद मेन कोर्स में क्या मिलता है, कैसा मिलता है बताएंगे। हालांकि जो इन्होंने स्टार्टर दिया था काफ़ी अच्छा था, मंचूरियन टेस्टी था, पकौड़े भी अच्छे थे और नूडल्स भी अच्छे थे। कुल मिला के अभी तक मज़ा आ रहा है, पूरा पैसे वसूल हो रहे हैं।
जब मैं नीचे होता हूँ तो कोई वीडियो बनाता नहीं है, जब मैं बाहर आता हूँ सबको वीडियो बनवानी होती है। ये देखो पूल वाला पार्ट कंप्लीट करके हम चलेंगे रेन डांस की तरफ। शाबाश लंडा। हमारे साथ एक मिश्रा जी, इनको बोलते हैं, पिछले एक घंटे से इसी पोज में है और जो भी मिलता है उसको बोल रहे हैं फोटो खींचो। अभी भी इन्होंने इनको फोटो खींचने पर लगा रखा है। एक बार कला भी सिखाएंगे, इनको सिखाएंगे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी हो जाए इनके साथ। अभी ये देखिए वापस टाइम हो गया है 3:30। अब हम जा रहे हैं लंच करने। ये वाला पूल वाला सारा प्रोग्राम कंप्लीट होके सभी लोग कुछ जा चुके हैं, कुछ मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लंच में क्या क्या है वो दिखाएंगे आपको। अभी तक तो इतना मतलब एंजॉय किया है कि अब थोड़ा सा पानी में रहने से गला भी बैठ सक गया। ये देखिए पहले खुद की फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर जो है फिर से बोलो। देखा, ये भी देखो मोबाइल में लगा है। ये है खाने के इंतजार में। पनीर, मलाई कोफ्ता, नान, सैलेड, पानी, चटना, इन सबको देख के मुँह में पानी आएगा। टेस्ट करके देख। तो फाइनली लंच हो गया है जो कि काफ़ी डिलीशियस था, खाने में अच्छा लगा। और जहाँ तक गुजर सर क्या कहना चाहेंगे यहाँ का जो हमारा जस्टिफाइड था पैसों के हिसाब से? बिल्कुल, क्योंकि मेरी समझ से तो खाना पीना भी अच्छा था और जो लोगों का बिहेवियर था स्टाफ वो भी अच्छा था, टेस्ट भी था, बाकी जो कुछ भी था। अब जो ये बता रहे हैं वहाँ हम अगली बार जाएंगे और उसका एक्सपीरियंस अगली बार शेयर करेंगे आपके साथ। अभी क्या है कि लोग इतना टायर्ड हो चुके हैं कि आधे लोग तो साथ में, आधे पता नहीं कहाँ हैं। तो कुल मिला के अच्छा दिन था, अच्छा दिन स्पेंड किया, अच्छी चीज़ें देखी, खाया पिया बढ़िया किया। कभी कभी ऐसा मौका आना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।